एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का एक बार पुनः अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों आज मैं उपस्थित हूँ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि अपनी कुंडली खुद देखें, अपना भविष्य खुद जानें। इस श्रृंखला में हम नवम भाव तक पहुंच चुके थे, अब हम दसम भाव के बारे में बात करेंगे कि दसम भाव से हम क्या जानते हैं, दसम भाव में कौन कौन सी राशि हो तो क्या होगा, दसम भाव में कौन कौन सा ग्रह हो तो क्या होगा। पहले तो हम ये देखते हैं कि दसम भाव है क्या। तो दसम भाव मेनली नौकरी कार्य का कर्म भाव है। नौकरी क्या जातक क्या नौकरी करेगा, क्या काम करेगा, क्या पद मिलेगा उसको, जीवन निर्वाह हेतु क्या कार्य करेगा, उसको आदर मिलेगा, पदभार प्रतिष्ठा मिलेगी, उच्चता मिलेगी, दिव्यता मिलेगी। और पिता वस्त्राभूषण व्यापार विज्ञान कृषि कर्म सभी कर्मों का ये केंद्र है। दसम भाव से हम जातक के कर्म क्षेत्र को देखते हैं। मानव का आधार उसकी प्रतिष्ठा उसके पद तथा जीवन पर निर्भर है। तो हम ये देखते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में क्या कार्य करेगा, उसको समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, उसको व्यापार में सफलता मिलेगी, उसको प्रोन्नति मिलेगी, क्या काम करेगा वो। तो दसम भाव को हमसे हम ये जानते हैं। दसम भाव के बारे में जानने से पहले हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि दसम भाव में कौन सी राशि बैठी है, कौन कौन सी राशियाँ क्या क्या बताएंगी। जिस जातक के ग्रह में ये राशि है तो क्या होगा, ये राशि है तो क्या होगा, ऐसे ही कौन से प्लेनेट बैठे हैं। एक प्लेनेट है, दो प्लेनेट, आप अपनी जन्म पत्री देखिए, उसमें देखिए कौन प्लेनेट बैठा है और उसके साथ कोई और भी बैठा है तो वो सब फल मिल जाएगा। और इस प्लेनेट के ऊपर और दूसरे प्लेनेटों की क्या दृष्टि पड़ रही है, कौन कौन प्लेनेट इसको देख रहा है, क्या कर होगा, ये प्लेनेट किस किस ग्रह को देख रहा है जो यहाँ बैठा है दसम भाव में, इसकी दृष्टि सातवीं दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव में शुक्र भाव में, ऐसे ही और कौन सा प्लेनेट है उसकी पाँचवीं दृष्टि हो, किसी की तीसरी हो, किसी की नवीं हो, मंगल की दसवीं भी होती है, तो इसकी कहाँ कहाँ दृष्टि पड़ेगी तो क्या फल मिलेगा, ये सब हमको अध्ययन करना होगा। तो अपनी जन्म पत्री निकाल के आप देखिए कि आपकी जन्म पत्री में दसम भाव जो कि चतुर्थ भाव के सामने होता है बिल्कुल, दसम भाव में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। अब हम देखते हैं कि यह कौन सी राशि बैठी हुई है। तो हम पहले देखते हैं कि आपके दसम भाव में अगर मेष राशि हो तो मेष राशि वाला जातक जो है कई कामों को करता है, कई कार्यों में रहता है, वो जीवन निर्वाह के लिए एक से अधिक आजीविका के क्षेत्र देखता है, वो नौकरी भी करता है और नौकरी के साथ साथ साइड बिजनेस कुछ और भी कर सकता है। जीवन निर्वाह के लिए वो एक ही काम में नहीं रहता, वो कई काम करता है, लेकिन उसको उस काम में मेष राशि जिसके बैठी हो दसम भाव में उसको यश नहीं मिलता, उसको यश प्राप्त नहीं होता। अगर दसम भाव में वृष राशि हो या वृषभ राशि हो तो जातक जिस जातक के वृषभ राशि हो वह मनुष्य आय से अधिक व्यय करता है, खर्चा ज़्यादा करता है, आमदनी कम होती है, तो आमदनी कम होगी, खर्चा ज़्यादा होगा तो फिर सुख कहाँ मिलेगा। धन संचय करने के लिए पूरी कोशिश करता है, धन संचय लेकिन कर नहीं पाता। धार्मिक कार्यों में जातक की गहरी श्रद्धा होती है और वह अपने पिता का भक्त भी होता है, समाज में कुल में जाति में उसको आदर सम्मान तो मिलता है, राज्य में उसके अनुकूल लोग मानते हैं, पर वो धन से थोड़ा सा कमजोरी रहता है। जिस जातक के दसम भाव में मिथुन राशि हो वो जातक
किसी कार्यों से विशेष लाभ पाता है। उसके अतिरिक्त वह भूमि संबंधी कार्यों में भूमि के क्रय विक्रय से काम उठाता है। तो दशम भाव के सम्मुख चतुर्थ भाव है जहाँ भूमि विक्रय अपने बड़ों की श्रद्धा करता है, पिता की सेवा करने वाला ऐसा जातक नौकरी की अपेक्षा व्यापार में ज्यादा सफल होता है। यश भागी यह पुरुष समाज में कुल में सम्मान प्राप्त करता है। जिस जातक के दशम भाव में कर्क राशि हो तो कर्क राशि वाला जातक भी धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है, धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है, परोपकारी कामों में रुचि लेता है, परोपकारी बहुत होता है, दूसरों के काम करता है, गरीबों की सहायता करता है, सेवा करता है, गरीबों के हित के लिए कुछ भी कर सकता है, पाप पूर्ण कृत्यों से दूर रहता है, धार्मिक नेचर का होता है। कर्क राशि चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। ये अनित वाले काम नीत वाले काम करेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, माता पिता को आदर देने वाला ऐसा जातक सुखी रहता है। सिंह राशि जिसके हो दशम भाव में तो वो मनुष्य उसे माता का अल्प सुख प्राप्त होता है, इसके साथ ही साथ वो आजीविका के लिए कठोर परिश्रम करता है, वाहन सुख स्वल्प मिलता है, भूमि संबंधी कार्यों से जातक को लाभ तो मिलता है, शिकार का वो शौकीन होता है, परिवार से ऐसे नहीं के बराबर सहायता मिलती है, वो अपने खुद ही सेल्फ मेड होता है, खुद ही अपने आप को खुद ही बनाता है। वो जिस जातक के दशम भाव में कन्या राशि हो तो कन्या राशि वाला जातक स्वाभिमान वाला होता है, अपनी आन पर मिटने वाला होता है, चापलूसी उसे पसंद नहीं होती और दूसरों की हमें हम मिलाना भी वो नहीं करता, वहाँ में हमें लाना बुरा समझता है, उदासीन वृत्ति से नौकरी करता रहता है, फलस्वरूप उसको प्रगति धीरे धीरे होती है। ऐसे जातक को नौकरी की अपेक्षा व्यापार में ज्यादा लाभ मिलता है, परंतु उसके पास फिर भी धन संचय नहीं हो पाता, कितनी व्यापार करे अच्छा करे पैसा इकट्ठा नहीं होता, पैसे की उसको तंगी रहती है। जिस जातक के दशम भाव में तुला राशि हो तो तुला राशि वाला जातक की प्रवृत्ति व्यापार में अधिक रहती है, वो व्यापार में ज़्यादा फायदा पाता है और उसका भाग्योदय व्यापार में होता है, नौकरी में उन्नति के अवसर कम आते हैं। यदि वो जातक नौकरी करे तो ज़्यादा सफल नहीं होता, तो वो व्यापारी करता है, पिता की आज्ञा मानने वाला नीति सूचक काम करता है, अनीति वाले काम नहीं करता और अपने अनुकूल वातावरण बनाने के लिए वो सब कुछ करता है। जिस जातक के दशम भाव में वृश्चिक राशि आती हो आठवीं राशि, तो वृश्चिक राशि वाला जातक सद्गुणों वाला, क्यों वृश्चिक राशि मंगल वाली है तो अच्छे गुण वाला, धार्मिक विचारों का, गरीबों का सहायक, परिस्थितियाँ सदैव इसके प्रतिकूल रहती हैं, फिर भी ये अपने व्यवहार के द्वारा उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना देता है। नौकरी में जातक प्रगति करता है तथा निर्वाह के लिए कठिन परिश्रम करता है। जिस जातक के दशम भाव में धनु राशि हो, धनु राशि वाला जातक व्यापार में ही प्रगति करता है, उसको नौकरी से काफ़ी परेशानियाँ आती हैं और विरोधी वातावरण होता है, इसलिए वो नौकरी से फायदा नहीं पा करके वो भूमि संबंधी कार्य करेगा, व्यापार करेगा और उसी से फायदा मिलता है उसको भूमि संबंधी कार्यों से। जिस जातक के दशम भाव में मकर राशि हो वो जातक अपने आप पर नियंत्रण रखने वाला होता है, विपरीत परिस्थितियों में अपना मानसिक संतुलन नहीं होता है, तो समय को पहचान कर उसके अनुसार काम करता है। ये जातक कई कई चौंकाने वाले कार्य कर सकता है और उनमें प्रवीण होता है, पिता से इसके विचारों का विरोध होता है परंतु फिर भी ये पिता के प्रति श्रद्धा रखता है। जिस जातक के दशम भाव में कुंभ राशि हो, कुंभ राशि वाला जातक कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ में प्रवीण होता है, विरोधियों को भी अपने बस में करने की इसमें ताकत इच्छा शक्ति होती है, दूसरों को समझाने तथा दूसरों को अपना काम बना लेना इसको आता है,
जीवन सारा प्रकार का होता है, परंतु आकस्मिक खर्चे भी बहुत से होते हैं। आय की अपेक्षा खर्चा ज्यादा होता है। जिस जातक के दशम भाव में मीन राशि हो, वो जातक जल से संबंधित कार्यों में या नौकरी में विशेष प्रगति करता है। मीन माने मछली, पानी से कनेक्टेड है, मीन राशि जल से कनेक्टेड है। समाज में इसका सम्मान होता है, नीतियुक्त काम करता है और ऐसा जातक उन्नति के पथ पर हासिल रहता है। जिस जातक के अब हम देखते हैं मीन राशि तक आ गए, अब हम देखते हैं कि ग्रह कौन से पड़े हों। जिस जातक के दशम भाव में सूर्य ग्रह बैठा हो, अगर सूर्य वाला जातक जिसके सूर्य होता है वो बहुत सूर्य की तरह तेजस्वी, सचरित्र, विद्वान होता है, जातक को नौकरी में प्रगति मिलती है। सूर्य वाला जातक या तो सरकारी नौकरी में प्रगति पाता है, राज्य से उसको सम्मान मिलता है, सरकार से सम्मान मिलता है, माता के पिता के विचारों से मेल नहीं खाता, उसका विरोध रहता है, जिसके कारण ज़्यादातर माता से दूर रहता है, पिता का सुख भी उसको कमी मिलता है, आकस्मिक व्यय बहुत होते हैं उसके, जिसके कारण उसको भी पैसे की बचत कम हो पाती है और आमदनी कम होती है, खर्चा ज़्यादा होता है, इससे उसकी आर्थिक हालत चिंतनीय होती है। समाज में यह व्यक्ति श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। जिस जातक के दशम भाव में चंद्र ग्रह बैठे हों, तो चंद्र ग्रह के होने से ये जातक ये शुभ स्थिति मानी गई है। चंद्रमा शीतल, अच्छा स्वभाव सभी की, चंद्रमा मन का आता है, मन को चंद्रमा, तो मन आदमी का चंद्रमा के समान, तो जिस जातक के चंद्रमा बैठा हो उसकी स्थिति अच्छी मानी गई है। ऐसा इसका बचपन अत्यंत सुंदर व्यतीत होता है, भाग्य निरंतर उसका साथ देता है एवं जल्दी ही उन्नति के ओर अग्रसर हो जाता है। जल्दी ही 16 साल 18-20 साल के अंदर इसको सेटलमेंट हो जाता है। ऐसा जातक सुंदर शरीर वाला, आकर्षक चेहरा वाला और समय की नाजुकता को समझता है और परिस्थितियों को देख करके अपने आप को उसी अनुसार ढाल करके काम करता है। ये उच्च पद पाता है, सरकार में भी उच्च पद पाता है, वृद्धावस्था तक ये अच्छा रहता है, लेकिन वृद्धावस्था में जाके उसको फिर श्वास की बीमारी हो सकती है। जो चंद्रमा शीतल का जिस जातक के दशम भाव में मंगल ग्रह बैठा हो, तो मंगल ग्रह वाला मनुष्य सफल व्यापारी होता है, सफल व्यापारी सिद्ध होता है, नौकरी करता है पर नौकरी में इसका मन नहीं लगता तो भी व्यापारी करता है, और बाल्यकाल से ही इसको गरीबी होती है तो गरीबी की वजह से इसको बाल्यकाल से ही कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, तो व्यापारी करता है। बाधाएं बहुत आती हैं इसको, बाधाओं को पार करता हुआ ये श्रम की महत्ता को समझता हुआ अपने श्रम से अपने जीवन को ठीक बना लेता है, अपने सूझबूझ से ये व्यापार में उन्नति करता है। यौवनावस्था भी संघर्ष से बीतती है, परंतु प्रौढ़ावस्था पहुँचते पहुँचते इसका व्यापार सेटल हो जाएगा और ये फिर ठीक हो जाएगा। जिस जातक के दशम भाव में बुध बैठे हों, तो बुध वाला जातक अत्यंत ही विपरीत एवं कुशल, अत्यंत ही विनीत एवं कुशल प्रशासक होता है, बहुत नम्र, निम्न स्तर से नीचे से उठ करके ऊपर तक जाता है, नौकरी में तो उच्च पद प्राप्त करता है। राजनीति के क्षेत्र में ये जातक भी सफल कहे जाते हैं। बचपन इनका साधारण ही होता है, लेकिन साधारण कुल में जन्म लेने के बाद भी इनके विचार बड़े अच्छे के होते हैं, जिसके फलस्वरूप ये विख्यात हो जाते हैं और समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं, पद पाते हैं, सरकार में समाज आदरण पाते हैं और नेता बन जाते हैं, बच्चों को नेता बनते हैं समाज में, सरकार में या पार्टियों में, राजनीति में पद पाते हैं और उनका नाम होता है। जिस जातक के दशम भाव में बृहस्पति बैठे हों, ऐसा जातक भी राजनीति में प्रवेश करता है,
और धर्म कर्म में भी प्रवेश कर जाता है। धार्मिक होता है, धार्मिक होने के साथ साथ वो राजनीति में प्रवेश करता है और आगे बढ़कर फिर धार्मिक कार्य में भाग लेता है, फिर राजनीति में भी आता है, धर्म के सहारे राजनीति में आता है और राजनीति में छा जाता है, फिर वो नेता बन जाएगा और अच्छा खासा उसका नाम होगा, फिर वो धार्मिक होने के नाते तीर्थ यात्रा भी करता है, वो डबल काम है उसका, धार्मिक होने के नाते ही नेता बनता है वो और तीर्थ यात्रा भी करता है, सम्मान मिलता है समाज में उसको, आदर मिलता है वो। जिस जातक के दशम भाव में शुक्र बैठे हों, शुक्र वाला जातक व्यापार करने पर हानि उठाता है, इसके विपरीत नौकरी में इसको उन्नति के अवसर मिलते हैं, शुक्र है इसके तो शुक्राचार्य। एक साधारण कुल में जन्म लेने के बाद भी जातक नौकरी में उच्च पद पर पहुंच जाता है। धार्मिक क्षेत्र में ये बहुत ही निपुण होते हैं, धार्मिक काम में, कलाओं में निपुण होते हैं, संगीत में, नाटक में, इत्यादि में ये बहुत निपुण होते हैं। प्रौढ़ावस्था तो संघर्ष ही करना पड़ता है जीवन में, लेकिन वृद्धावस्था तक वो अच्छा हो जाता है, धन भी ठीक हो जाता है और सेहत भी हो जाता है। सारा जीवन इसका ध्येय जो है सादा जीवन और उच्च विचार। जिस जातक के दशम भाव में शनि बैठे हों, तो शनि बैठने से ये जातक भी नौकरी में ही प्रगति करता है। ये तब इसके आजीविका के साधन और भी होते हैं और कठिन परिश्रम करता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, तो शनि का होने से इसको परिश्रम बहुत करना पड़ता है तभी सफलता मिलती है। जीवन को ऐशो आराम से बिताना चाहता है, ये इसका ध्येय होता है, भोगी स्वभाव का होता है ये, आकस्मिक खर्चे भी बहुत आते हैं जीवन में, माता पिता के विचारों से इसके विचार मेल नहीं खाते, फलस्वरूप पारिवारिक कलह बनी रहती है। कठोर संघर्ष करने के बाद जातक अपने जीवन में जो चाहता है वो पाता है और यात्रा भी वह करता है। जिस जातक के दशम भाव में राहु विद्यमान हो, तो राहु वाला जातक भी देर सवेर राजनीति में आ जाता है। दशम भाव में राजनीति में जातक सफल होगा, राजनीति में घुसेगा तो सफलता जरूर मिलेगी, तो राजनीतिक दाव पेट उसको अच्छी तरह से बचपन से आ जाते हैं और बचपन से ही वो समाज के कामों में लग करके राजनीति में छा जाता है और सब इससे सरकार के अफसर लोग प्रसन्न रहते हैं, अच्छी तरह से सबका इसको सम्मान मिलता है पार्टी में भी। तो राजनीति वाले लोगों के दशम भाव में राहु होना बहुत ही अच्छा माना गया है, राहु होने से बड़ी प्रगति मिलती है। और जिसके दशम भाव में केतु बैठे हो, तो दशम भाव में केतु होने से उसका जीवन संघर्षशील बिकता है, ये कर्मठ तो होता है, नौकरी में ही जाता है प्रगति करता है, व्यापार नहीं कर सकता, बाल्यावस्था में कष्ट में बीतती है परंतु जीवन के उत्तरार्ध में ये ठीक हो जाता है, वृद्धावस्था आते आते सब कुछ ठीक हो जाता है, ये बड़ा विद्वान विचारक नीतिवान होता है। तो केतु वाला भी जातक, केतु तो थोड़ा धार्मिक है, वो भी धार्मिक होता है, केतु मोक्ष का प्रतीक है, सूक्ष्मता का प्रतीक है। तो आज तो मैं दशम भाव का बारे में इतनी बात की, अब मैं यहाँ विश्राम लूँगा और आगे फिर कुछ और बातचीत करूँगा आपसे। नमस्कार।